आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। तमिलनाडु के मदुरई जिले से मोटरसाइकिल पर निकली साध्वी मां राजलक्ष्मी के साथ भाजपा कार्यकर्ता आज सुबह रामलीला ग्राउंड से बाइक रैली लेकर बुलंदशहर रवाना हुई। भूपेंद्र वार्षण्य, अलीगढ़ से संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वोट फॉर मोदी, वोट फॉर नेशन, इस नारा को लेते हुए तमिलनाडु मदुरई से दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर फाइन सीजन में बुलेट मोटरबाइक सवारी कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है एक सक्षम और समृद्ध भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार का नेतृत्व जरूरी है और हम पूरा देश वासियों से ये कार को लेते हुए हम बुलेट मोटरसाइकिल कर रहे हैं कि एक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब मिलकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। यात्रा कितने समय पहले शुरू की थी आपने? हमने 12 फरवरी को तमिलनाडु में शुरू किए हैं, 18 अप्रैल को दिल्ली में समापन होगी। पूरा 21,000 किलोमीटर है फाइन सीजन में और आज हमने अलीगढ़ में पहुंचे हैं। आज 62 दिन का यात्रा यहाँ अलीगढ़ शहर से हम शुरू कर रहे हैं। तमाम भाजपा कार्यकर्ता पब्लिक हमको यहाँ स्वागत करते हैं और इसके साथ हमको बुलंदशहर के लिए यहाँ से रवाना किया। देश अभी जिस दिशा में अभिवृद्धि हो रहा है वो आप सब जान रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद तमाम चीज़ों में देश में हुआ है, जैसे देश का डेवलपमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, महिलाओं की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, जहाँ G20 का आयोजन हमारे देश में किया गया है और इस तरीके से देश और धर्म मोदी जी का हाथ में सुरक्षित है, सुनिश्चित है। इसलिए हम चाहते हैं कि और एक बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और इसी तरीके देश को आगे बढ़ाए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कहीं पर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, कुछ भी नहीं ऐसा। देखिए ऐसा मतलब आरोप तो लगा सकते हैं, विपक्ष के नाते आरोप लगा सकते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। RBI का जो गाइडलाइंस है, मतलब जैसे महंगाई इस वक्त भारत देश में 4% से 6% का जो बीच में होना की इन्फ्लेशन रेट होना है, अभी हम 4.5% है। तो 4.5% इन्फ्लेशन रेट RBI का गाइडलाइंस जो बताया है, गाइडलाइंस का अंदर है। पूरा देश ने इससे आश्चर्यचकित है, जहाँ जहाँ डबल डिजिट का महंगाई चल रही है, तो ऐसा कैसे बिना मतलब प्रूफ विपक्ष ने आरोप लगा सकता है कि महंगाई ज़्यादा है। तो जब RBI का जो गाइडलाइन हम क्रॉस कर देते हैं तब बोल सकते हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो विपक्ष के नाते कोई भी आरोप मतलब लगा सकते हैं और उनके पास ना एजेंडा है, ना मुद्दा है और ना गठबंधन सही है, तो इसलिए कुछ ना कुछ बोलने का आदत बना लिया है। तो ये सबसे अभी देशवासियों इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पूरा भारत देश का युवा जनाने जाग चुके हैं और वो चाहते हैं कि अपने देश सुरक्षित रहे, अपने देश सक्षम रहे। पेपर लीक मामले में तो कहीं ना कहीं भारत माता की जय।